राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विपिन नायक इनका जन्म शताब्दी वर्ष 2012 में मनाया गया। आज उन्हें 111 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उनकी याद में सरकार ने 20 करोड़ का ऑडिटोरियम नागपुर में निर्माण करने का आश्वासन दिया था, उसे मंजूर भी किया गया था, मगर अभी तक वह काम ठंडे बस्ते में है, किसी भी प्रकार का काम शुरू नहीं किया गया है। इस विषय पर आज सदन में नाना पटोले ने प्रश्न उपस्थित किया, जिसकी जानकारी पूर्व विधायक अनिल राठौड़ ने पोडियम पे मीडिया को दी है। वर्षा निमित्त शासनाने 100 करोड़ रुपये मंजूर केले होते, त्यापैकी 20 करोड़ या नागपूर नगरीमध्ये त्यांचं खुलं ऑडिटोरियम व्हावं असा प्रस्ताव होता। आम्ही वारंवार आजसुद्धा नाना पटोले आणि माननीय माजी मुख्यमंत्री चव्हाण साहेब यांनी हा प्रश्न विधानसभेमध्ये उचलला होता। माझी विनंती आपल्यामार्फत की ताबडतोब जे 20 लाखाच्याऐवजी आता 100 कोटी रुपयाची गरज आहे आणि जे ऑडिटोरियम होणार आहे ते या महानगरीला सोबेल असं ते काम होणार आहे। माझी विनंती आहे की वसंतराव नाईक जन्मशताब्दी निमित्त जे राहिलेलं काम आहे ते त्याचं त्वरित त्या भूमिपूजन करून हे काम सुरू करण्यात यावं। एक्स चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के VP नाईक इनका जन्मशताब्दी वर्ष 2012 में मनाया गया, अब 111 साल हो गए हैं और तब 100 करोड़ रुपया सरकार ने आवंटित किया था और बाकी जगहों का काम हो गया है। लेकिन नागपुर में क्योंकि मॉरिशस कॉलेज में उनकी पढ़ाई हुई थी तो यहाँ 20 करोड़ रुपया का ऑडिटोरियम होना चाहिए, ये देशपांडे हॉल उतना हॉल होना चाहिए ऐसा प्रस्ताव था। बाद में नितिन गडकरी साहब ने एक संकल्पना लाई जिसमें खुला ऑडिटोरियम उन्होंने सजेस्ट किया और ये खुला ऑडिटोरियम एक अपने आप में अनोखा ऑडिटोरियम रहेगा और इसका निर्माण जल्दी होना चाहिए, भूमि पूजन जल्दी होना चाहिए। आज ही नाना पटोले और एक्स चीफ मिनिस्टर चव्हाण साहब ने ये मसला उठाया था विधानसभा में और मांग की है और अध्यक्ष जी ने बोला कि ऐसी जगह उनके नाम से अपने उनके मतदार संघ में मुंबई में भी है, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान के बाजू में, वो भी अधूरा काम पड़ा है, मतलब काम चालू ही नहीं हुआ है। तो ये जो महाराष्ट्र के निर्माता थे, महाराष्ट्र के जो जिन्होंने महाराष्ट्र आधुनिक महाराष्ट्र बनाया, ये VP नायक जी, उनके ऑडिटोरियम का काम जल्दी शुरू हो, ये हमारी मांग है।